सामने आई है, जहां टीका लगाने के बाद नवजात शिशु के पैर में गंभीर इंफेक्शन हो गया। बच्चे को टीकाकरण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां डॉक्टर निधि तिवारी और नर्स रीना ग्वाल ने बच्चे को लापरवाही पूर्वक टीका लगाया। टीकाकरण के कुछ ही देर बाद बच्चे के पैर में सूजन होने लगा, साथ ही बच्चे के पैर की हड्डी गलने लगी है। पीड़ित माँ बाप ने अपने बच्चे के इलाज में कर्ज लेकर लगभग 3 लाख रुपए से अधिक लगा चुके हैं, लेकिन बच्चे की स्थिति में विशेष सुधार नहीं देखा जा रहा। परिजनों ने टीका लगाने वाले नर्स और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई और अपने बच्चे के उचित इलाज की मांग की है। वहीं एक दिवसीय प्रवास में आए जिला के प्रभारी मंत्री ने कहा कि दोषी पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। बच्चा डिलीवरी हो रही है जर्सी के दौरान, तो स्वास्थ्य केंद्र भटली कलम अपन इंजेक्शन लगवाए बर गए रहन के टीका कोई भी लगते वो लेके गए रहन। हम बच्चा डिलीवरी नॉर्मल हो रही, तो वहाँ ये मैडम मन फोन में बात करते हुए कोई भी टीका या कोई भी इंजेक्शन वो जानकारी नहीं है हमला लगाए रही से। वो 8 से 10 रोज बाद वह सूजन हुई से, तो हमने एक दो बार गए हम मैडम के पास, तो इसी बोल दी कि नहीं इसी टीका के दौरान सूजन होते अलग से कायु के कर दे है तो ठीक हो जाए करी थे। अभी मैं हल्का फुल्का सुना हूँ बात, फिर आप लोग आ गए पूरा उनका विस्तार से सुना नहीं हूँ। मुझे आवेदन दिए हैं, मैं अभी कलेक्टर ऑफिस भी हमारे माननीय धर्म कौशिक जी, हमारे माननीय वरिष्ठ नेता पुनूलाल जी मोहल्ले के साथ में हम लोग एक औपचारिक बैठक रखे हैं वहाँ पर। इस संबंध में आपके माध्यम से हमको खबर मिल रही है कि जनदर्शन में भी आज उक्त संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है, और उक्त संबंध में हम लोग हमारे जिला टीकाकरण अधिकारी से उसका पूरा परीक्षण कराएंगे, तत्पश्चात ही हम लोग कुछ कह पाएंगे। बाकी आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लाखों बच्चों का जो रूटीन इम्यूनाइजेशन में इंजेक्शन लगाया जाता है, और अगर किसी कारणवश कोई दिक्कत हुई होगी तो जिला टीकाकरण उसका पूरा परीक्षण करेंगे और आवश्यक उपचार की पूरी व्यवस्था की जाएगी। परिजनों के द्वारा लापरवाही पर भी टीका लगाने की बात कही जा रही है? नहीं, आमतौर पर तो ऐसा होता नहीं है। अब ऐसा कोई घटना अगर कोई हुई है तो उसके बारे में जब तक मैं कुछ जाँच नहीं हो पाएगी कुछ कह पाना उचित नहीं होगा।